अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम। इबरार रहमत पाकिस्तान के स्पिनर बॉलर जिन्होंने यासिर शाह की कमी को पूरा कर दिया। आज दूसरे टेस्ट मैच के अंदर इबरार रहमत को मौका दिया गया और इन्होंने पहले ही इनिंग्स के अंदर 7 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। क्या शानदार बॉलर पाकिस्तान को मिला है, 114 रन दिए हैं और इन्होंने 7 खिलाड़ियों को शिकार किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बहुत अच्छा बॉलर मिल गया है। अब पाकिस्तान को चाहिए था कि इनको पहले टेस्ट मैच के अंदर भी मौका देते, लेकिन चलो अब दूसरे टेस्ट मैच के अंदर इनको मौका दिया गया है। इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और ये इबरार अहमद कायदे आजम ट्रॉफी में भी लीडिंग विकेट टेकर है। इन्होंने कायदे आजम ट्रॉफी के अंदर भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, जिसकी वजह से इनको पाकिस्तान टीम के अंदर मौका दिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इबरार अहमद की शक्ल में एक शानदार बॉलर मिल चुका है, जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच के अंदर 7 खिलाड़ियों को आउट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। पाकिस्तान को बहुत ही अच्छा बॉलर मिल चुका है और इनके साथ साथ आज ज़हन महमूद ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जिन्होंने 3 खिलाड़ियों का शिकार किया। इबरार अहमद को सोशल मीडिया पर खूब अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप भी कमेंट्स के अंदर बताएं क्या पाकिस्तान ये दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगा या नहीं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।